हेलो माय डियर चिल्ड्रेन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया आज के इस वीडियो में हम आपके एन क्लास टू इंग्लिश के टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का यूनिट नंबर एट आई एम द म्यूजिक मैन पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम सबसे पहले हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे यानी कि आपका पोएम जो है उसे अच्छी तरह समझेंगे और फिर पोएम के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी हम जानेंगे सो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम सबसे पहले मुझे ये बताइए आप में से कितने बच्चों को नाचना और गाना सबसे पसंद है चलिए टेल मी हाउ मेनी चिल्ड्रन लव म्यूजिक क्या आपका मन गाना सुनते ही डांस करने को नहीं करता क्या आपका मन हमेशा खुशी में नाचने गाने का नहीं करता वी ऑल लव म्यूजिक छोटे से छोटे बच्चे भी म्यूज़िक वाले टॉयज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं म्यूज़िक का मतलब होता है कि संगीत गाना जिसे सुन के हमारा मन नाचने को करता है और हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट को बजाने का मन करता है म्यूजिक से याद आया जिस तरीके के यंत्रों से यानी कि इंस्ट्रूमेंट से हम गाना या फिर ट्यून निकाल सकते हैं उन्हीं को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है और हमारे इस पोयम में हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं इनमें से कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप पहचानते हैं ज़रा ध्यान से देखिए तो और इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से अगर आप किसी चीज़ को बजाना जानते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए शायद कुछ बच्चे ड्रम बजाना बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और कुछ बच्चों को तबला बजाना अच्छी तरीके से आता होगा बच्चे तो हर चीज़ पे तबला बजा लेते हैं डेक्स के ऊपर ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर कभी कभी अपने पापा के सिर के ऊपर सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड आई एम द म्यूजिक मैन आई कम फ्रॉम फार अवे आई एम का मतलब है इस पोएम को जिस बच्चे ने लिखा है मैं एक बाजा बजाने वाला हूँ म्यूजिक मतलब गाना बजाने वाला मैन मतलब इंसान मैं एक बाजा बजाने वाला हूँ आई कम फ्रॉम फार अवे आई कम मैं आता हूँ फ्रॉम फार अवे बहुत दूर से अ म्यूजिक मैन इज़ अ पर्सन हु कैन प्ले म्यूजिक एक ऐसा इंसान जो बाजा बजाना जानता हो एंड आई कैन प्ले वॉट कैन यू प्ले और मैं बजाना जानता हूँ मैं बजा सकता हूँ तुम क्या बजा सकते हो वैसे तो ये जो शब्द है प्ले इसके दो मतलब होते हैं एक का मतलब होता है कि खेलना यू प्ले इन द पार्क और दूसरा मतलब होता है बजाना यू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू प्ले द ड्रम प्ले का मतलब होता है बाजा बजाना तो बच्चा पूछ रहा है आई कैन प्ले वॉट कैन यू प्ले मैं तो बजा सकता हूँ और तुम क्या बजा सकते हो आई प्ले द पियानो मैं पियानो बजा सकता हूँ पिया पिया पियानो 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 तो बच्चों क्या आपने इस तरीके के पियानो की आवाज़ कभी सुनी है पियानो एक बहुत बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ब्लैक एंड वाइट कीज़ होते हैं इन्हें जब भी बजाया जाता है तो पीछे इनके जो स्टिक्स होते हैं उनमें हवा आती है और उन्हीं हवा से ये इंस्ट्रूमेंट बजता है विंड so इंस्ट्रूमेंट हवा के जरिए से ये पियानो बजता है और इस पियानो की आवाज कैसी होती है पियानो की आवाज बहुत ही मीठी होती है जिसे सुन के ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहे और बैकग्राउंड में आप एक पियानो की आवाज अभी सुन पा रहे हो चलिए इसी आवाज को सुनते सुनते हम पोयम के इन लाइंस को दोबारा एक और बार रीड कर लेते हैं गाने के साथ। म्यूजिक मैन आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले What कैन यू प्ले आई प्ले द पियानो पिया पिया पियानो 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 पिया पियानो 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 आई एम द म्यूजिक मैन आई कम फ्रॉम फार अवे मैं एक बाजा बजाने वाला हूँ और मैं बहुत दूर से आता हूँ एंड आई कैन प्ले what कैन यू प्ले और मैं बाजा बजा सकता हूँ तुम क्या बजा सकते हो उसके बाद बच्चा बोलता है आई प्ले द बिग ड्रम मैं एक बहुत बड़ा ड्रम बजा सकता हूँ और ड्रम की आवाज कैसी होती है बुम डी बुम डी बुम डी बुम बुम डिमड बुम बुम, बुम।, बुम बुम जो साउंड होता है वो ड्रम के बजने की आवाज होता है is the sound produced by the drum. बुम इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रम बुम डिमडी बुम, बुम बुम पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो पिया पिया पियानो और इसी तरीके से सिर्फ़ ड्रम और पियानो ही नहीं हमारे पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ये है ढोलक ये है हारमोनियम यह है वायोलिन इसको कहते हैं सितार ये है शहनाई यह है गिटार ये है तबला यह है ट्रम्पेट और यह है सिंथेसाइजर तो आपके पास इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ बजाने की कला है कौन सी चीज़ बजा सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे न्यू वर्ड्स म्यूजिक मैन यानी कि वो इंसान जो म्यूजिक बजाना जानता हो गाना बजाना जानता हो फार अवे मतलब कि बहुत दूर से अ प्लेस विच इज़ नॉट नियर उसके बाद है प्ले प्ले के दो मीनिंग होते हैं एक प्ले होता है खेलना लेकिन इस पोयम में प्ले का मतलब होता है बजाना क्या बजा रहे हैं पियानो बजा रहे हैं जैसे पियानो की आवाज हमने अभी का चीज़ होता है। जिसकी आवाज कैसी होती है? बूम जब ढोल बजता है तो जोर जोर से बूमडी बूमडी बूम की साउंड सुनाई देती है नाउ लेट्स रीड सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो सोनिया पियानो बजाना सीख रही है उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स वॉट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स स्पेलिंग को ध्यान से देखिए आई एन एस इंस टी आर यू ट्रू एम ई एन टी एस इंट्स ट्रूमेंट्स मतलब कि म्यूज़िक को बजाने वाले यंत्र ऐसे कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले जो म्यूजिक मैन बजा सकता है एंसर इसका आंसर द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम्स क्वेश्चन नंबर टू व्र डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम म्यूजिक मैन कहाँ से आता है वेर आंसर इज द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे बहुत दूर से आता है Now let's talk. If the music man comes to you, what would you ask him to play for you? अगर music man तुम्हारे पास आया comes to you, then what would you ask? तब तुम उसे क्या पूछोगे To play for you, तुम्हारे लिए बजाने के लिए मुझे तो गिटार की आवाज़ बहुत पसंद है If the music man comes to me, आई वुड आस्क हिम टू प्ले गिटार फॉर मी गिटार ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी होती है आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से भी लिख सकते हैं वॉट वुड यू लाइक टू लर्न म्यूज़िक डांस और कराटे ये सब चीज़ें हॉबी आइटम होती हैं यानी कि पढ़ाई लिखाई के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें करने में अच्छी लगती है वो होती है हॉबीज जैसे म्यूज़िक गाना बजाना डांस यानी कि नाचना गाना और कराटे यानी कि ऐसे कुम्फू धमाका करना मार्शल आर्ट्स करना ये भी एक तरीके की हॉबीज़ होते हैं तो इसका आंसर भी आप अपने मन से लिखिए उसके बाद है क्वेश्चन मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल हमने इस पोयम में म्यूजिक मैन के बारे में पढ़ा म्यूजिक मैन वो होता है जो गाना बजाना जानता है म्यूजिक बजाता है वैसे ही और भी बहुत सारे टाइप्स के लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग प्रोफेशंस के नाम से जाना जाता है फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर वर्कस इन द फील्ड अ फार्मर एक किसान कौन होता है जो खेतों में काम करता है फसल उगाता है और उन्हीं फसल से हमें खाने पीने का सामान मिलता है तो हमें इन तीन कॉलम्स में से वर्ड्स को सेलेक्ट करके सेंटेंस बनाना है तो जैसे पहला सेंटेंस ये हुआ ये फार्मर ये किसान है किसान क्या करता है किसान काम करते हैं वर्क्स कहाँ काम करते हैं ये खेतों में काम करते हैं इन द फील्ड खेतों में अब हमारे पास है दूसरा वाला सेकेंड इज अ सोल्जर अब सोल्जर कौन होता है सोल्जर होते हैं सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करते हैं सोल्जर हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म उसके बाद है अ सिंगर सिंगर कौन होता है जो गाना गाता है अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स सिंगर जो होता है वो गाना गाता है गाने को एक सिंगर गाने गाता है तो हमें ये सारा सेंटेंस लिखना है उसके बाद है एन इलेक्ट्रीशियन स्पेलिंग को देखिए ई एल ई सी टी आर आई ट्री सी आई ए एन शी एन एंड इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिशियन कौन होता है एक इंसान जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करता है जैसे हमारे घर में अगर लाइट चली गई हो तो फ्यूज़ को रिपेयर करता है अगर हमें हमारे घर में नया पंखा या फिर नया स्विच बोर्ड लगाना है लाइट लगाना है तो ये अंकल उसे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है ही रिपेयर्स लाइट्स वो हमारे घर में किसी भी टूटे फूटे लाइट्स को या फिर रिपेयरिंग वर्क को करता है इलेक्ट्रिकल के चीजों को रिपेयर करता है उसके बाद है अ पाइलट पायलट कौन होता है जो हवाई जहाज उड़ाता है जो एरोप्लेन उड़ाता है अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन एक पायलट प्लेन को उड़ाता है उसके बाद एन एक्टर एक्टर कौन होता है जो एक्टिंग करता है जिसे हम पिक्चरों में फिल्म्स में देखते हैं मूवीज में देखते हैं इनका काम क्या होता है एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म एक एक्टर फिल्म में एक्टिंग करता है और उसके बाद लास्ट है म्यूजिशियन एक म्यूजिशियन कौन होता है अ म्यूज़िशियन प्लेज म्यूज़िक एक म्यूजिशियन म्यूजिक music को बजाता है अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमें इन द ब्लैंक्स में लिखना है पहला सेंटेंस था अ फार्मर एफ ए आर एम ए आर फार्मर वर्क्स इन द फील्ड सेकेंड सेंटेंस था अ सोल्जर एस ओ एल डी आई ई आर सोल्जर Wears, w e a r s एस a uniform सिपाही हमेशा यूनिफॉर्म पहनते हैं तीसरा वाला था a singer जो गाना गाता है a singer sings songs s o n g s songs चौथा वाला था एन tree t r i उसके बाद सी आई ए एन एंड इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स R E P A I R S रिपेयर्स L I G H T S लाइट्स लाइट्स को रिपेयर करता है उसके बाद फिफ्थ था अ पाइलट P I L O T पाइलट अ पाइलट एफ एल आई ई एस फ्लाइज अ प्लेन पी एल ए एन ई प्लेन उसके बाद सिक्स था एन एक्टर ए सी टी ओ आर एक्टर एक्टिंग करता है ए सी टी एस एक्ट्स इन फिल्म और जिसे देख के हमें बहुत मज़ा आता है उसके बाद लास्ट था अ म्यूजिशियन पी एल ए वाई एस प्लेस मतलब बजाता है म्यूजिक एम यू एस आई सी म्यूज़िक बजाता है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पज़ल आपको इन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करनी है जैसे सबसे पहले ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये है बांसुरी यानी कि फ्लूट जो भगवान कृष्ण बजाते थे एफ एल यू टी ई फ्लूट उसके बाद ये है पियानो यहाँ पे पी आई ए एन ओ ये है पियानो उसके बाद ये है ड्रम डी आर यू एम ये है ड्रम उसके बाद है सितार ऊपर से नीचे एस आई टी ए आर सितार और उसके बाद एक और ये है एक तारा क्योंकि इसमें एक तार होता है एक तारा की स्पेलिंग आई के एक टी ए आर ए एक तारा इस तरीके से हमने पांच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढ लिए और लास्ट क्वेश्चन में है हम सिंगुलर का प्लूरल लिखेंगे सिंगुलर मतलब कि एक वचन अगर कोई एक चीज खड़ी हो तो हम उसे एक वचन बोलेंगे प्लूरल का मतलब होता है कि बहुत सारे बहुत बहुवचन बहुत सारे तो चलिए लिखते हैं ये सभी हैं सिंगुलर यानी कि ओनली वन एक सिर्फ एक और ये वाले हैं हम लिखेंगे बहुत सारे यानी कि प्लूरल सबसे पहले है वन बेंच मैनी बेंचेस बी ई एन सी एच लास्ट में ई एस बेंचेस दूसरा वाला है ब्रश एक ब्रश बहुत सारे b r u s h e s ब्रशेस बहुत सारे ब्रशेस उसके बाद है वन ग्लास एक ग्लास मैनी ग्लासेस ई एस बहुत सारे ग्लासेस उसके बाद है एक बॉक्स एक बक्सा बहुत सारे बॉक्सेस एस e बॉक्सेस उसके बाद है वन बस एक बस मैनी बसेस ई एस बसेस उसके बाद है वन टोमेटो एक टमाटर मैनी टोमैटोज ई एस टोमैटोज अब इतने सारे वर्ड्स में सिर्फ ई e एस जोड़ देने से प्लूरल वर्ड्स बन जाते हैं लेकिन अब चेंजेस शुरू हो जाएगा डियर का मतलब है हिरन वन डर मैनी भी डीर ही रहेगा डर्स नहीं लिखेंगे और ई एस भी नहीं लिखेंगे वन डीर मैनी डीर वन शीप एक भेड़ बहुत सारी भेड़ मैनी शीप यहाँ पे भी मैनी को हम शीप ही लिखते हैं उसके बाद है वन टूथ एक दांत मैनी टीथ टी डबल ई टी एच बहुत सारे दांत उसके बाद है वन गूज एक हंस बहुत सारे हंस गूज़ का प्लूरल होता है जी डबल ई एस ई गीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डबल ओ है ये डबल ई बन जाता है बाकी सब सेम रहता है उसके बाद है वन woman मैनी डब्लू ओ एम ई एन बहुत सारे वोमेन यहाँ पे ए के बजाय ई e हो जाता है वोमेन उसके बाद है वन माउस मैनी एम आई सी ई मैनी माइस उसके बाद है वर्ड वन ऑक्स एक बैल बहुत सारे बैल मैनी ओ एक्स ई एन ऑक्स उसके बाद है वन चाइल्ड एक बच्चा बहुत सारे बच्चे मैनी सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे अगर आपको अब बोलना है बहुत सारे बच्चे ये चिल्ड्रेन के पीछे एस लगाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए चिल्ड्रंस नहीं होता चाइल्ड एक होता है चिल्ड्रेन बहुत सारे होते हैं बहुत सारे मैनी चिल्ड्रेन उसके बाद है वर्ड वन मैन एक आदमी मैनी मैन बहुत सारे आदमी यहाँ पे भी हम ए के जगह पे ई लिख देते हैं मैनी मैन और लास्ट वाला है वन क्लास एक क्लास मैनी सी एल ए एस एस ई एस मैनी क्लासेस इस तरीके से हमने सारे सिंगुलर्स का प्लूरन में चेंज कर लिया और और ये था आपके इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे यूनिट एट के लेसन के साथ जो है द मुंबई म्यूजिशियंस तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.